तो क्यों छोड़ा इन महात्मा जी ने, क्यों छोड़ा? सत्संग छोड़ दिया, निरंकारी मिशन छोड़ दिया। आज उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि अगर हम उनके नमस्कारी करते तो हमारे हाथ पकड़ते हैं और वो हम सभी संत महात्माओं के नमस्कारी कर लेते, बोला हम इस लायक नहीं है। छोड़ दिया उन्होंने निरंकारी मिशन, सत्संग छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई कि एकदम से छोड़ दिया? शुरुआत होती है बहन जी से, बहुत ही अच्छे सेवादारों में उनका नाम रहा है और बहुत ही अच्छी सत्संगी रही है, घरों में संगत करवानी और इधर उधर की संगतों में खूब उनके दर्शन होना, दौड़ दौड़ के संगत करना, सेवा में भी उनका योगदान रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि महापुरुषों ने पूरी तरह से मिशन को ही छोड़ दिया, सत्संग को ही छोड़ दिया, संत महात्माओं को छोड़ दिया, मगर आज भी उनकी भाषा वही है। अगर फोन करो तो धनका जी महापुरुषो कैसे हैं आप? ठीक हाँ बढ़िया। और जब मिलते हैं तो जैसे उनके पैरों तले जाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं और खुद नमस्कारी कर लेते हैं, नहीं आप संत महात्मा हो, नहीं हम नहीं, अब हम नहीं है, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया गुरु, छोड़ दिया सत्संग, छोड़ दिया मिशन, छोड़ दिया। ऐसी क्या ऐसी मजबूरी है? मैं आपसे पूछता हूं ऐसा क्यों होता है, बाद में बताऊंगा सारे, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब या तो कोई अपने मन में कामना हो, भावना हो, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो कि हम साथ संगत के बीच में साझा करते हैं, संत महात्माओं के बीच साझा करते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, सुमरण करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, सब कुछ करने के बावजूद हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ उम्मीद दिखाई नहीं देती है। मायूस होके इंसान धीरे धीरे सत्संग से दूर चला जाता है। जब सत्संग से दूर चला जाता है तो संत महात्माओं की कदर करना छोड़ देता है, संतों महात्माओं से अपने आप दूर चला जाएगा। जब संतों से दूर चला जाएगा तो सदगुरु के प्रति उसका कोई लगाव नहीं रहेगा, सदगुरु के प्रति जब लगाव नहीं रहेगा तो मिशन से उसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। एक अवस्था तो ये हो गई, एक कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि हो सकता है कि कहते हैं कि एक बैलगाड़ी के दो बैल है, तो एक दोनों का काम है बैलगाड़ी को कंधे पे रख के और अपने तरीके से दोनों एकजुट होके, एक मत होके, सन्मति से उस बैलगाड़ी को आगे तक खींचे। जो परिवार बनता है, बच्चे भी होते हैं, उस गाड़ी को आगे तक दोनों मिलके खींचे। और अगर उसमें एक गुरुमति हो जाए और एक मनमति हो जाए, कहते फिर वो हाल हो जाए कि मुख में राम बगल में ईंट, मिल जाए राम तो धमक दे ईंट, कि शहर में ढिंढोरा बगल में छुरा, शहर में ढिंढोरा। तो एक कारण ये भी हो सकता है, मैं आपको सारे अगर देखो कहते ना किसी के बारे में ज़्यादा खुल के बात ना करके, तो हम तो यही कहेंगे कि देखो बड़ी मुश्किल से इंसान को कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, आगे क्या कुछ याद नहीं, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि बहुत ही भागों से होते, नसीबों वाले होते हैं जो सत्संग की दो घड़ियां कोई करे नसीबों वाला, तो ये घड़ियां बहुत ही मुश्किल से मिलती है और मुश्किल से कोई चीज हासिल हो, और किसी कारणवश अगर इंसान वो सत्संग छोड़ दे, वो घड़ी छोड़ दे, कहते हैं कि ये तो बहुत ही किस्मत से मिली, बहुत ही मशक्कत से मिली, बहुत ही भागों से चीज मिली, और मिलने के बाद अगर वो कोई चीज गमा देता है, किसी कारण गमा देता है, किसी अवस्था के कारण गमा देता है, कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि वो चीज छोड़नी पड़ जाए, तो कितनी दुर्भाग्यपूर्ण वो बात रही है। तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों किया। ये ज़्यादा दूर की कहानी नहीं है, जो हमारे करीबी संत महात्मा है हो सकता है समझ सकते हैं, वो सब समझ जाएंगे। जो दूर दूर के संत महात्मा जिनके पास वीडियो जाएगा, आप सभी लोग देख रहे हैं,
तो सभी के चरणों में सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यंकार जी और जो मेरे मित्र भाई सबकाई भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनने योग्य है, तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनने वाला है और जो भी वीडियो देख रहा है और सभी अरदास करो कि कहते हैं कोई पारिवारिक कोई कलेश भी हो सकता है, कि कहते हैं कोई इंसान गुरमत में रह के कोई अगर दो, हमने अभी बैलगाड़ी वाली बात कही थी अभी आपको, तो जो दो बैल है एक गुरमत में है और एक मनमत में है, वो कहते हैं कि बगल में छूरा और शहर में ढिंढोरा, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहते हैं कि अगर ये बात शेयर हो जाती है दूर दराज तक जाती है तो कहते हैं कि मिशन पे सदगुरु पे गुरु पे उंगली उठे, ऐसा कदापि ना करें। कहते हैं कि हम सब कुछ करके भी कहते कभी गुरु की निंदा और अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी कभी बुराइयां नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई क्या मजबूरी रही है। तो दास को भी बहुत ही ऐसा लगा कि ऐसी क्या बात हो गई, इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे बात करने वाले, तो इनका मन जो है निगेटिव कैसे हो गया, कैसे सत्संग एकदम से छोड़ दिया, कैसे संतों का जो सम्मान करने वाला, सम्मान तो आज भी करते हैं, अगर हम नतमस्तक होते हमारे हाथ पकड़ लिए जाते हैं और खुद नतमस्तक हो जाते हैं, हमें वो वैल्यू देते हैं और खुद कहते हैं हम इस लायक नहीं रहे, हमने छोड़ दिया सब कुछ, मिशन छोड़ दिया, सदगुरु छोड़ दिया, सत्संगत छोड़ दी, हम महात्मा नहीं रहे। तो ऐसा क्यों होता है, कोई मजबूरी परेशानी, कहते हैं कोई अगर तंग हाली में सत्संग से जुड़ा, मिशन से जुड़ा, सालों से जुड़ा है, हो सकता है उसी तंग हाली में जी रहा, थक गया हो, छोड़ो यार कुछ नहीं रखा। एक कारण ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है मनमति और गुरमति। कहते बाबा जी भी कहते अगर आप गुरमत में हो, कोई मनमति में है और आपके साथ मनमति करता है तो उसका साथ आप छोड़ दो, हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है। तो मैं तो कहता कोई भी कारण हो, कहते बड़ी मुश्किल से मिलता है सतगुरु, कहते किस्मत से मिलता है, हमारे कर्मों से गुरु के दर्शन होते हैं और गुरु के दर्शन होने के बाद गुरु चरणों में जो जगह मिलती है ये बहुत किस्मत से मिलता है। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें सतगुरु मिला, ये पूर्ण परमात्मा मिला, पूर्ण सतगुरु पूर्ण साथ संगत मिली, और किसी कारणवश अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो हमें कहते कि फिर वो कहीं भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलती। तो कहते हैं कि क्यों ऐसा हम सोचे, अब हम आपसे यही कहें कि महात्मा जी के लिए हम आपसे क्या कहें, जो भी वीडियो देख रहा अरदास करो कि जो भी परेशानी हो घर में हो या बाहर हो, किस कारण से काफ़ी समय के बाद हमें पता चला, पता ही नहीं था, अचानक से हमें मेरे सामने आए, तो एक साल पहले आए थे, उसके बाद तो बहुत सारी मुलाकातें बहुत सारी बातें हुई, तो बहुत सारी उन्होंने आबीती बताई जो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो अरदास करो कि जो भी अनबन या कोई मनमुटाव होए सब खत्म हो जाए, क्योंकि ये तो अगर हम निरंकारी मिशन में है, हमारा ये पूरा जो विश्व में है जहाँ भी हमारा निरंकारी मिशन का प्रचार प्रसार हो रहा है, जहाँ भी संत महात्मा है, कहीं भी किसी राज्य देश में भाषा में बसते हैं, हैं सब एक ही परिवार के, एक ही माला के मोती पिरोए हुए हैं जो सतगुरु ने पिरोए हैं, और अगर ये एक भी मोती अलग हो जाए तो बहुत सोचने वाली बात है, ये क्यों अलग हो गया, ऐसा क्या कारण है कि ज्ञान वही, सतगुरु वही, परमात्मा वही, सार संगत वही, सब कुछ वही, तो फिर वजह क्या है, क्या वजह है इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। खुले शब्दों में हर किसी के सामने कह देना, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आज का वीडियो बस इतना, उनके लिए अरदास करो। देखा नहीं जाता क्योंकि महापुरुष जो हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के लगते हैं, मतलब शांत स्वभाव के और साफ शब्द बोलने वाले, सत्य बोलने वाले और वो सत्य पे चलने वाले, तो वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। कोई बड़ा रीजन ही रहा है जो कि इन्होंने छोड़ा है,
तो सभी से अरदास है, सभी के चरणों में विनती है, सदगुरु सच्चे पातशाह माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास है, जो आपका बच्चा ये भटक गया किसी कारण, इसके इसके मन में आप जरा बैठ के इसकी बुद्धि को, ऐसी बुद्धि प्रदान करो आपके चरणों से फिर से जुड़ जाए, फिर से संत महात्माओं के बीच और साध संगत के बीच में नजर आए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब अक्सर दास ऐसे ही कोई बात ढूंढता रहता है, जो कि कहते किसी का भला हो जाए, कहते अगर हम कहते हम अपना भला सोचें तो दूसरे का भला कैसे हो सकता है, हम दूसरे का भला सोचेंगे कि सबका भला सब में तो सभी आ जाते, पूरी दुनिया आ जाती है, तो इसलिए हम यही कहते हैं आपसे अरदास करते हैं, फिर सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी उन महात्मा जी को अपने चरणों से दूर नहीं करना, फिर से अपने चरणों में बुलाओ, क्योंकि आप किसी से दूर नहीं हो, आपसे कोई दूर है ही नहीं, बस वो अपने आप को दूर कर लेता है। तो उसे जो पट्टी पहले से हटा रखी थी, आपने हटा दिया था पर्दा, वो फिर से उसे डालने की कोशिश की है, तो पर्दा आप एक बार फिर से हटाओ और अपने चरणों से उसके लगाओ, तो बहुत ही खुशी मिलेगी। और जो भी वीडियो देख रहा है, सभी वीडियो देखने वाले संत महात्मा भाई बहनों के चरणों में अरदास है, उन महात्मा जी के लिए विनती करो, अरदास करो कि ये फिर से एक बार साध संगत से जुड़े, सदगुरु के चरणों से जुड़े, मिशन से जुड़े, और फिर उसी तरह जैसे पहले की भांति हर जगह वो नजर आते थे, चाहे छोटी संगत हो, बड़ी संगत हो, समागम हो, चाहे सदगुरु माता सुदीक्षा जी के दर्शन के लिए कोई भी संगत बुराड़ी हो, यहाँ वहाँ कहाँ नजर आते थे, अब तो नजर नहीं आते हैं। तो यही बात है आज के वीडियो में, बस इतना उनके लिए अरदास करनी थी और कोई वीडियो नहीं बनाना था। आज तबीयत आप में खराब चल रही काफ़ी दिनों से, जुकाम खांसी बुखार भी आ रहा था, आवाज से लग रहा होगा। अब क्या कहें, आप मेरे लिए अरदास करो ना करो, वैसे अरदास हो जाती है, आपने आवाज़ सुन लिया अरदास तो कर ही दोगे, तो अपने लिए अरदास कुछ ही नहीं मांगता। कहते ऐसी आएगी जो गणेश वणेश सब चंगी है, जैसी मस्त बोला रहो कि तू निरंकार मैं तेरी शरणा मैं निवक्लो, कि तन बंधन परमात्मा का देने तन की चिंता हम क्यों करें, करने वाला ये है ना, ये चला रहा जैसे अपने खिलौने को चलाना चलाएगा। हम तो इतना नहीं सोचते, कोई बात नहीं, जैसी हालत है सब ठीक है, जो करेगा करने वाला जब सब यही है। अब देखो उधर नजर मार रहा माता जी की फोटो में, देखो ऐसे मुस्कुरा रही है हमारी बातों पे, तो हम क्यों रोए, हम क्यों मायूस हैं। तो सभी निरंकारी संत महात्माओं भाई बहनों माताओं को प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।